तरह तरह के बड़े बड़े स्मार्टफोन्स यूज करने के बाद अभी जो मेरा प्राइमरी डिवाइस है वो ये वाला स्मार्टफोन है। ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 जिसे मैं यूज कर रहा हूँ फॉर ओवर अ मंथ नाउ और एक्सपीरियंस मेरा काफी बेहतरीन रहा है। जब पहली बार मैंने इस डिवाइस को डिब्बे से निकाला, अपना मेन सिम डाला और देखा कि भाई फ्लिप फोन है, इतने टाइम बाद एक कॉम्पैक्ट डिवाइस आया है और मुझे पता नहीं था कि भाई डेली लाइफ में इसको मैं कैसे फिट इन करूंगा। मतलब कॉम्पैक्ट फोन मुझे काफी पसंद है। S24 जो वेनिला वाला बेस वेरिएंट है S24 का, वो मुझे काफी पसंद आया था उसके साइज के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि बड़े फोन मुझे ज्यादा जचते हैं और गैलेक्सी Z Fold 6 इज लाइक मोर ऑफ माई थिंग। पर इस फोन को अभी मैंने 30 दिन से ऊपर यूज़ कर लिया है, पूरा रिग्रेस टेस्टिंग करी है, मेन डिवाइस बनाया, इसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखे और पूरा वाला एक्सपीरियंस जो है ना इस वाली वीडियो में लेके आया हूँ, क्योंकि ये है गैलेक्सी Z Flip 6 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं फाइबर बाय इंडिया टुडे और चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि भाई क्या ये स्मार्टफोन वर्थ है आपके पैसों के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस है 1,10,000 रुपए का। तो पूरा एक्सपीरियंस दे देता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ एंड अगेन वही सेम क्वेश्चन, इज दिस वर्थ योर मनी और नॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं डिजाइन से और गैलेक्सी Z Flip 6 के डिजाइन को आप बोल सकते हैं कि काफी आइडेंटिकल है टू दैट ऑफ द Z Flip 5। मतलब ये कैमरा लेंस के जो आसपास ये जो कलर मैचिंग रिंग्स हैं फ्लिप 6 में, अगर ये नहीं लगते तो मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता बताना कि भाई फ्लिप 6 कौन सा है और फ्लिप 5 कौन सा है। बट अगेन Z Flip लाइन मेरे हिसाब से इनका डिज़ाइन काफ़ी रिमार्केबल रहा है ओवर द ईयर्स और ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है, ये जो फ्लिप फॉर्म फैक्टर है, आई थिंक सो ये फंक्शनल तो है ही पर साथ ही साथ काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। तो जब इसे फोल्ड करते हो ये ऑलमोस्ट एक कॉम्पैक्ट मेकअप केस के साइज़ का हो जाता है, काफ़ी छोटू सा। और अब मुझे समझ भी आ रहा है कि भाई इतनी सारी लेडीज़ इसके बारे में क्यों मेरे से सवाल जवाब कर रही हैं। और ये फ़ोन आसानी से आपके पॉकेट्स में भी स्लिप हो जाता है, बैग में आप इसे डाल दो कोई दिक्कत नहीं, और अनफोल्ड करते हो जब से तो मतलब एक फुल साइज्ड स्मार्टफोन की एक फेमिलियर फीलिंग आपको मिलती है यहाँ। बाकी फ्लिप 6 के साथ सैमसंग ने इसके हिंज मैकेनिज्म पे भी काफ़ी काम करा है, और मतलब ऐसे बोलते हो क्योंकि सैमसंग हैज़ आउटडन देमसेल्व्स। तो प्रीवियस जनरेशन फ्लिप फोन से अगर मैं सैमसंग की मिलाऊं तो हिंज काफ़ी स्टर्डी और स्मूथ फील होती है, मतलब कॉन्फिडेंस पूरा रहता है कि भाई फोन को कुछ नहीं होगा, हिंज सॉलिड है। साथ ही साथ कोई वॉबल वाली फीलिंग भी यहाँ पर नहीं रहती जैसे पुराने मॉडल्स में रहती थी। ऑफकोर्स आप फोन को अलग अलग एंगल्स पे रख सकते हो तो उसके यूज केसेस बढ़ जाते हैं फ्लिप फोन के। वहीं पर एक्सटीरियर डिजाइन काफ़ी आई कैचिंग है, ग्लास बैक है, मेटल का फ्रेम है जो कि मैट फिनिश पे दिया है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। साथ ही साथ 3 कलर ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आप सैमसंग की वेबसाइट से स्मार्टफोन को खरीदते हो तो 3 और स्पेशल एडिशन कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब एक काफ़ी नोटेबल इंप्रूवमेंट Z Flip 6 में है वो है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस की। मतलब अभी भी फ़ोन कम्प्लीटली वाटरप्रूफ तो नहीं है पर अब जो IP रेटिंग है वो है IP48, माने कि वाटर रेजिस्टेंस के साथ साथ जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स होते हैं लार्जर देन 1 मिलीमीटर उनको भी ये फ़ोन झेल सकता है। एंड ओवरऑल गैलेक्सी Z Flip 6 का डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंट लगता है, क्लीन लाइंस है, मिनिमलिस्ट डिजाइन है। डेफिनेटली जब आप पॉकेट से निकालते हो और ऐसे करते हो ना यार तो लोग देखने वाले हैं पलट के। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 में इनर डिस्प्ले 6.7 इंच की डायनामिक एमोलेड 2X वाली स्क्रीन है, वाइब्रेंट है, शार्प है, जैसे कि मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो सैमसंग से। तो कलर्स खिल के आते हैं, ब्लैक्स डीप हैं, ब्राइटनेस को बम्प कर दिया गया और पता लगता है यार ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी इमर्सिव निकल के आता है। 22:9 का टॉल एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब वीडियोज़ आप देखते हो या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो या फिर इवन गेम्स खेलते हो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है। प्लस 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, माने कि स्मूथ स्क्रॉलिंग और एक फ्लूइड यूजर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलता है। हालांकि 2 क्वर्क्स हैं इसके जो मैं अभी मेंशन करना चाहूँगा। पहला है क्रीज जो कि स्क्रीन के एकदम बीचों बीच दिखता है, पहले के मुकाबले फ्लिप 5 के मुकाबले लेस प्रोमिनेंट है पर अभी भी नोटिसेबल है। मतलब आपके काम के बीच में तो नहीं आता पर इधर उधर आप यूज करते हो तो क्रीज अभी भी दिख जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि टच सेंसिटिविटी और यूजबिलिटी को लेकर अगेन कोई भी दिक्कत नहीं आती, तो एक तरह से ये समझ लो कि इट्स मोर ऑफ अ विजुअल क्वर्क देन अ फंक्शनल फ्लॉ। सेकेंड जो चीज जो मैं विश करता हूँ कि गैलेक्सी Z Flip 6 में दी होती वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग।
स्क्रीन जो कि अगेन Z Fold 6 में भी नहीं है पर S24 Ultra में है और उसकी स्क्रीन काफी ताबड़तोड़ है। मतलब स्क्रीन यहाँ भी अच्छी है बट अगर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दे दे तो यार मजा आ जाता है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी कवर स्क्रीन की तरफ जो कि फ्रंट पे दी गई है जब आप फोन को फोल्ड करके यूज करते हो और ये फोन के यूनिक फॉर्म फैक्टर को मतलब अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। 3.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है तो आप नोटिफिकेशंस चेक करो या फिर म्यूजिक को इससे कंट्रोल करो या फिर आपको सेल्फीज लेना है मतलब एकदम फोन को अनफोल्ड किए बिना तो वो भी आप इस स्क्रीन पे कर सकते हो। मतलब बिल्कुल भी गिमिक नहीं है, जेन्युइनली यूजफुल है ये स्क्रीन। स्पेशली जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी कुछ भी ग्लांस करना है, फोन को अनफोल्ड नहीं करना है तो कवर स्क्रीन यहाँ पर काफी काम आती है। हालांकि फ्लिप 5 के मुकाबले अगर मैं कवर स्क्रीन की बात करूँ फ्लिप 6 पे अभी भी दो चीजें बेटर करी जा सकती थी। तो सबसे पहली चीज है कि 120 हर्ट्ज का जो अंदर वाला डिस्प्ले है उससे आप 60 हर्ट्ज की कवर स्क्रीन पे आते हो तो वो थोड़ा जारिंग लगा मुझे। सेकेंडली आप इस कवर स्क्रीन पे कोई भी ऐप या गेम चला सकते हो गुड लॉक की मदद से पर मुझे लगता है कि सैमसंग को ये वाला जो फंक्शनैलिटी है ना बाय डिफॉल्ट दे देते तो यार वो बेटर हो जाता। Samsung Galaxy Z Flip 6 में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर है, साथ ही साथ फाइनली 12GB RAM स्टैंडर्ड मिलेगा क्रॉस वेरिएंट्स एंड अप टू 512GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर आपको दी गई है। ऑफ कोर्स 512GB स्टोरेज ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर चले जाता है यार, 1,22,000 कुछ उसका प्राइस है। तो चलिए जल्दी से आपको बेंचमार्क सिखा देता हूँ Galaxy Z Flip 6 के। तो जैसे कि स्कोर्स देख सकते हो फोन की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट अबाउट फाइन है, मतलब इतना सारा पावर इन्होंने एक कॉम्पैक्ट शेल में दे दिया है तो मुझे रिकॉर्ड क्रशिंग नंबर्स तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट स्टिल Geekbench और Anthropic के स्कोर्स ठीक ठाक निकल के आए, अभी भी थोड़े बहुत कम है Z Fold 6 और S24 Ultra के मुकाबले जिसमें अगर आप ध्यान दो कि सेम चिपसेट रैम और स्टोरेज दी गई है। हालांकि अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स के बियॉन्ड देखो रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है, चाहे आप एप्स के बीच में स्विच कर रहे हो या फिर वेब ब्राउजिंग करते हो या फिर वीडियोस स्ट्रीम करते हो या फिर कॉल्स करते हो या फिर इवन गेम्स खेलते हो कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर BGMI जैसे। अब मैंने इस फोन पे 30 मिनट का गेमिंग टेस्ट भी करा जिससे कि बैटरी और थर्मल्स का अंदाजा लगाना था, जैसे कि आप देख सकते हो फोन ज्यादा गर्म नहीं हुआ, इनफैक्ट प्रोलॉन्ग गेमिंग सेशंस के वक्त भी जो मुझे लगा कि थर्मल्स काफी इंप्रूव्ड हैं यार फ्लिप 6 के फ्लिप 5 के मुकाबले या फिर इवन जो जनरल फोन आते हैं यार मार्केट में। और इसका एकमात्र रीजन ये भी हो सकता है कि वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम फ्लिप 6 में दे दिया सैमसंग ने, और आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि जो वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है ये 150% बड़ा है इन साइज देन दैट जो आपको S23 अल्ट्रा में दिया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सैमसंग का One UI 6.1 यहां पर आपको मिलता है जो कि Android 14 पे बेस्ड है और काफी मक्खन चलता है स्मार्टफोन पे। ऑफकोर्स S24 सीरीज और Z Fold 6 की तरह यहां पर भी आपको 7 साल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिल रहे हैं, माने कि 7 साल के OS अपडेट्स प्लस 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि Flip 6 पूरा एडवांटेज लेता है यार, जो Galaxy AI फीचर्स यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं और अगर आप इन AI फीचर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी Z Fold 6 का रिव्यू करा है, आप उन्हें वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो, वीडियो को मैंने टॉप राइट में डाल दिया या फिर आप लिंक पे क्लिक कर लेना जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। पर एक क्विक शाउट आउट मैं इंटरप्रेटर मोड को देना चाहूंगा, अगेन ये फीचर फोल्ड 6 पे भी काम करता है पर मुझे लगता है ये फीचर फ्लिप 6 के लिए एकदम नेचुरली बना है यार, क्योंकि जो फॉर्म फैक्टर है फ्लिप 6 का आप इसको यूज करो इंटरप्रेटर मोड के साथ और ऑन द गो जो लाइव ट्रांसलेशंस होती है मुझे लगता है ये फॉर्म फैक्टर में एकदम मक्खन बैठता है इंटरप्रेटर मोड। पर इसके अलावा भी वन यूआई मुझे काफ़ी ऑप्टिमाइज लगा फॉर द फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर और फीचर्स जैसे कि फ्लेक्स मोड जिससे कि आप स्क्रीन्स को दो में स्प्लिट करके दो अलग अलग ऐप्स यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी फंक्शनल फीचर है और स्पेशली जब आप वीडियो कॉल्स करते हो या फिर साथ साथ वीडियोज़ देखते हो ब्राउज करते हो वेब को तो उसमें काफ़ी काम का आता है ये फ्लेक्स मोड, प्लस मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है फ्लिप 6 पे काफ़ी सीमलेस है और पता लगता है यार कि सैमसंग ने यहाँ पर ध्यान दिया है सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करने में फॉर दिस यूनिक फॉर्म फैक्टर। ओके, बैटरी लाइफ के बारे में काफ़ी लोग मतलब जानना चाहते हैं, काफ़ी लोग कंसर्न रहते हैं व्हेन इट कम्स टू फ्लिप फोन्स एंड अगेन फ्लिप 6 व्हेन इट कम्स टू बैटरी लाइफ
नो एक्सेप्शन। तो 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर दी है, जो कि मैं नहीं बोलूँगा कि मोस्ट पावरफुल बैटरी है ऑन द मार्केट, पर एक डिसेंट इनफ जॉब आपको कर देती है ये, और एक दिन आपका निकल जाएगा बैटरी से। मेरे हिसाब से ऑन एवरेज आप अबाउट 5 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो Z Flip 6 से। ये मेरी यूजेज के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी माइलेज डिफरेंट हो सकती है, जो कि अगेन ठीक ठाक है, नथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग। अब चार्जिंग की बात करो तो Z Flip 6 25 वॉट वायर चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और अभी आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है 0-100% के नंबर्स लगा रखे हैं मैंने, तो 0-50% करने में कुछ फोन को 30 मिनट लगते हैं, जो कि आई थिंक प्रिटी हैंडी है व्हेन यू आर इन अ रश। बाकी आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके एक नजर मार सकते हो। इसके अलावा PC Mark 3 benchmark पे भी नजर मारो तो वर्क परफॉर्मेंस स्कोर अगेन ऑन पार विद अदर Snapdragon 8 Gen 3 powered flagships, पर बैटरी लाइफ स्कोर अगेन उतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके अलावा Galaxy Z Flip 6 में 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, साथ ही साथ 5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है, जो कि मतलब एक कन्वीनियंट फीचर है। अगर आपके पास वायरलेस चार्जिंग एक्सेसरीज है तो आप उन्हें इस फोन के बैक पे रख के चार्ज कर सकते हैं। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लूँ जो कि प्रैक्टिकल भी है, तो रियल वर्ल्ड यूजेज में Galaxy Z Flip 6 की बैटरी लाइफ आई थिंक सो शुड बी सफिशिएंट फॉर मोस्ट यूजर्स। अगेन डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है Flip 5 की बैटरी लाइफ के ऊपर, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, प्लस Snapdragon 8 Gen 3 चिप पुरानी चिपसेट के मुकाबले एफिशिएंट है, पर पावर यूजर्स जो अपने फ़ोन को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहते हैं उन्हें शायद यार लगे कि बैटरी लाइफ यहाँ पर थोड़ी वीक लग सकती है। चलिए अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो प्राइमरी रियर कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का यूनिट है, जो कि सेम है गैलेक्सी S24 वाला। अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जो कि इस बार कंपनी ने एक नया और इम्प्रूव्ड सेंसर यहाँ पर यूज़ करा है। साथ ही साथ फ्रंट पे सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का है, जो कि फ्लिप 5 से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। एक क्विक डिस्क्लेमर जिससे पहले हम आगे बढ़ें कि ये जो कैमरा सिस्टम आपको मिला है यहाँ पर फ्लिप 6 पे, आई थिंक फ्लिप फोन्स की अगर बात करें ऑन अ होल, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को भी इंक्लूड करें, तो बेस्ट फ्लिप फोन कैमरा आपको फ्लिप 6 पे मिलता है, नो डाउट अबाउट इट। बट इसके अलावा भी अगर आपको एकदम ओवरऑल बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस अगर स्मार्टफोन में चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको एक ट्रेडिशनल स्लैब फोन खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको एक बेटर कैमरा परफॉर्मेंस दे पाएगा, जैसे कि S24 अल्ट्रा, इवन पिक्सल 9 फोन, उनकी भी कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। पर अभी के लिए इस कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में Z Flip 6 बेहतरीन फोटोज लेता है, विद जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वाइब्रेंस इन कलर्स, कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहता है, प्लेंटी ऑफ डिटेल रहती है फोटो में। ऑफकोर्स प्राइमरी लेंस इसका काफ़ी इंप्रेसिव है, शार्प इमेजेस खींचता है, डिस्टॉर्शन काफ़ी मिनिमल रहता है, डायनामिक रेंज काफ़ी सॉलिड है शॉट्स में, प्लस HDR परफॉर्मेंस फोन की बैंग ऑन है। अल्ट्रा वाइड लेंस से भी अगर आप एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू लेना चाहते हो, फिर लार्ज ग्रुप शॉट्स लेना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी मजा आने वाला है, और एज डिस्टॉर्शन काफ़ी मिनिमल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। That said, जो अच्छी बात है कि कलर कंसिस्टेंट रहते हैं यार प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड लेंसेज के बीच में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मूविंग ऑन, लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो यहाँ पर Z Flip 6 की थोड़ी बहुत लिमिटेशंस दिखती हैं, मतलब सैमसंग ने इंप्रूवमेंट्स करी हैं लो लाइट परफॉर्मेंस में, पर फिर भी फोटोज में जब आप जूम करते हो ह्यूमन सब्जेक्ट पे, फिर ऑब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत लॉस ऑफ डिटेल दिखती है। हाँ, नाइट मोड थोड़ी बहुत हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में, बट S24 अल्ट्रा जैसे अगर फोन से आप मिलाओगे उनके नाइट मोड से, तो वो वाली परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं आती। बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो भाई सेल्फीज और वीडियो कॉल्स के लिए काफ़ी सॉलिड है, पर अगेन इट डज द जॉब। अगर सेल्फीज आपके लिए अभी भी प्रायोरिटी है, तो दूसरे फोन हैं मार्केट में जो आपके नीड्स को बेटर सूट करेंगे, पर ये वाली कुछ सेल्फीज जो मैंने मेन कैमरा से ली, इन पे नज़र मारो, और मुझे लगता है ये काफ़ी एक यूनिक एस्पेक्ट है Z Flip 6 का, कि आप कवर स्क्रीन को एज अ व्यू फाइंडर यूज़ करके अपनी सेल्फीज खींच सकते हो, हाई क्वालिटी सेल्फीज ले सकते हो मेन कैमरा से, और इसी फीचर की वजह से आई थिंक सो जो फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर है उसे मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ गैलेक्सी Z Flip 6 के फ्रंट कैमरा से सेल्फी कैमरा, 4K 60fps वीडियो तक रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। अभी बारिश हो रही है बहुत दिल्ली में, बट अगेन टॉपिक से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, और क्वालिटी राइट अबाउट डिसेंट है, स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन आपको दी गई है यहाँ पे। बट अगेन जैसे इमेजेस में भी मैंने आपको दिखाया, जब मैं रियर कैमरा को यूज़ कर सकता हूँ अपनी खुद की फोटोज लेने के लिए, तो सेम वीडियोस पे भी अप्लाई होता है, और वो वाला कैमरा बेटर वीडियोस आपको दिखाता है। तो अभी आपको दिखा देता हूँ रियर का भी वीडियो सैंपल।
तो जैसे कि अभी आपने देखा कि सेल्फी वीडियोस मैं बाहर रिकॉर्ड कर रहा था, तो अभी बाहर बारिश हो रही तो इसलिए मैं अंदर आ चुका हूँ। बट अगेन ये है क्वालिटी रियर कैमरा की। तो रियर कैमरा से मैं अपनी सेल्फी वीडियो ले रहा हूँ। ऑफकोर्स जो कवर स्क्रीन है फ्लिप सिक्स की, उसको मैं एज अ व्यू पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ। तो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, जो बहुत सारी ब्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि खुद की अपनी वीडियो हाई क्वालिटी में शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा पर रिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन क्वालिटी आप देखो, 4K फुटेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर अच्छे लगते हैं। ऑफकोर्स ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन है। ऑडियो वगैरह कैसे साउंड कर रहा है मुझे बताओ कमेंट्स में। बाकी आपका क्या ख्याल है वीडियो को लेके बताओ कमेंट्स में। तो ओवरऑल Samsung Galaxy Z Flip 6 एक काफ़ी इम्प्रेसिव डिवाइस है, और अगर फ्लिप फोन की बात आती है ना यार मार्केट में, तो इससे बेहतरीन फ्लिप फोन नहीं है। मतलब डिज़ाइन इसका काफ़ी स्लीक है, पहले से स्टर्डियर बना दिया गया है, डिस्प्ले वाइब्रेंट है, इमर्सिव है, परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सेलेंट है। मतलब थोड़े बहुत पिकअप्स हैं बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। बैटरी लाइफ डिसेंट है, बेटर करी जा सकती थी। और कैमरा अगेन बेस्ट तो नहीं कहूँगा बट बेस्ट इन क्लास डेफिनेटली कहा जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल बनता है कि भाई फ्लिप 6 किसे खरीदना चाहिए, वेल सर्टेनली नॉट Z Flip 5 यूजर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना यार डिफरेंसेस उतने नहीं है कि भाई एक स्विच को जस्टिफाई कर पाए। मतलब फ्लिप 6 डेफिनेटली बेटर है फ्लिप 5 के मुकाबले इन मेनी एस्पेक्ट्स, पर इस अपग्रेड को ना यार एक स्टेप अप की तरह आप मानो, एक रेवोल्यूशनरी अपग्रेड मत मानो, एवोल्यूशनरी अपग्रेड कह सकते हैं। पर जिनके पास फ्लिप 4 या फिर ओल्डर मॉडल्स हैं, वो इस फोन पर स्विच करें, फ्लिप 6 पर स्विच करें, और वो आपको एक सिग्निफिकेंट लीप लगे। तो ओवरऑल गैलेक्सी Z Flip 6 में रिफाइंड हिंज है, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी है, जीरो गैप्स हैं बिटवीन द स्क्रीन्स, डिस्प्ले पहले से ब्राइट है, एंड्योरेंस बेटर है, गैलेक्सी AI फीचर्स दिए गए हैं, और इम्प्रूव कैमरा सिस्टम है। तो ओवरऑल एक वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट ये स्मार्टफोन बन जाता है। और जो लोग नए हैं फोल्डेबल फोन्स की दुनिया में, जो कि फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्यूरियस है, तो Z Flip 6 एक सॉलिड एंट्री पॉइंट है। आप इस फोन को ऐसा कह सकते हो कि मोस्ट पॉलिश्ड और यूजर फ्रेंडली फ्लिप फोन है जो सैमसंग ने आज तक रिलीज करा है। तो फाइबर रेट करता है Samsung Galaxy Z Flip 6 को सॉलिड 8.5 out of 10। बाकी आप लोगों के फोन को लेके क्या थॉट्स हैं मुझे बताओ कमेंट्स में। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।